अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए फेसबुक भी आगे आ गया है। फेसबुक के सह संस्थापक डस्टिन मॉस्कोविज ने डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए $2 करोड़ का चंदा दिया है। फेसबुक के एक सह संस्थापक डस्टिन मॉस्कोविज ने कहा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हार सुनिश्चित करने के लिए वह $2 करोड़ चंदा के रूप में दे रहे हैं। कॉम्पेल टू एक्ट शीर्षक के एक ब्लॉग पोस्ट में अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी ने शुक्रवार को कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो देश पिछड़ जाएगा और विश्व समुदाय से बहुत ज्यादा अलग थलग हो जाएगा। 32 वर्षीय अरबपति ने कहा कि बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के नीतिगत प्रस्ताव इतने अकल्पनीय और चिंताजनक हैं कि व्हाइट हाउस के लिए उनकी दौड़ चुनाव जीतने और अपने ब्रांड को चमकाने के लिए एक फरेबी खेल से अधिक कुछ नहीं है। मॉस्कोविज ने कहा कि कथित रूप से अमेरिकियों के जीवन सुधारने के लिए अमेरिका मैक्सिको की सीमा पर एक दीवार खड़ी करने की ट्रंप की योजना से नागरिक और गैर नागरिक समान रूप से दुखी होंगे। फेसबुक के सह संस्थापक ने अपने पोस्ट में लिखा है कि इसलिए पहली बार हम एक उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं और चंदा दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन प्रयासों से हिलेरी क्लिंटन को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद मिलेगी। आगामी 8 नवंबर को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव इस मुद्दे पर एक जनमत संग्रह बन गया है कि एक व्यक्ति के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में और एक समाज के रूप में हम किसको चाहते हैं। ऐसे में हिलेरी के खुले समर्थन और डोनाल्ड ट्रंप के विरोध से फेसबुक के ये सह संस्थापक एक बार फिर से सुर्खियों में हैं।